परिवहन नियमों का उल्लंघन करने, परिवहन के कायदे नियमों का पालन नहीं करने, बिना लाइसेंस यात्री परिवहन करने आदि को रोकने के लिए रिक्शा चालकों पर आरटीओ द्वारा कार्रवाई का सत्र शुरू है, जहां अप्रैल से नवंबर यह 8 महीनों की काल विधि में 556 रिक्शा चालक दोषी पाए गए, जिन पर कायदे मुताबिक कार्रवाई किए जाने की बात उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय धाय गुड़े ने की। इसी के माध्यम से 15,75,000 रुपए दंड वसूली किए जाने की अधिक जानकारी इन्होंने दी। तो रिक्शा पे मेरे यहाँ का उसको ऑफिस का जो फ्लाइंग स्क्वाड है, वो फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से हर महीने ऑटो रिक्शा पे कार्रवाई होती रहती है। अप्रैल से नवंबर तक ये 7 महीने में जो कार्रवाई अभी तक हो चुकी है वो 556 ऑटो रिक्शा पे कार्रवाई हो चुकी है और उनके तहत 15,76,000 फाइन रिकवर किया गया। ये कार्रवाई हमेशा चालू रहती है, उसमें अलग अलग तरीके की कार्रवाई है, जैसे कि गाड़ी रोक दी गई तो उसमें ज़्यादा सवारी है, ड्राइवर के पास लाइसेंस है, बैच है, उसके डॉक्यूमेंट्स फिटनेस वैलिड है या नहीं वो देखा जाता है। ऑटो रिक्शा के पीछे परमिट की एक कलर जेरोक्स पेस्ट करना ज़रूरी है, वो भी देखा जाता है, ड्राइवर का यूनिफॉर्म है या नहीं, ये सभी जगह सभी कानून देख के कार्रवाई की जाती है। मुंह जोड़ और अनुशासनहीनता रिक्शा चालकों के खिलाफ यात्री आरटीओ में शिकायत दर्ज करें, जिससे दोषियों पर नियंत्रण आएगा, यह आह्वान अधिकारी ने दिया। साथ ही इन्होंने विभिन्न उपाय योजना संबंधित विस्तृत जानकारी दी। ऑटो रिक्शा में 3 सवारी ले जाना एक कानूनन परमिटेड है, उससे ज़्यादा जो भी 4-5 लोग लेके जाते हैं, खास करके ड्राइवर के बाजू में बिठा के लिया जाता है, वो डेंजरस है सेफ्टी के हिसाब से भी, उस पर हमारी कार्रवाई हमेशा चालू रहती है। गए 2 महीने में अक्टूबर और नवंबर में ऐसी 83 ऑटो रिक्शा पे 83 ऑटो रिक्शा पे कार्रवाई हो चुकी है और 1,08,200 रुपये फाइन रिकवर किया गया है। हमारा यही अपील है सब ऑटो रिक्शा चालकों को कि उन्होंने वो एक्स्ट्रा पैसेंजर लेना छोड़ दे, ताकि हम एक्शन नहीं ले सकेंगे। ये सेफ्टी के लिए अच्छा है, उन्होंने वो एक्सेस पैसेंजर लेना गैर कानूनी है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन खरात के साथ पंकज बैनवंशी की रिपोर्ट।